ले लिए। ये वाला मेरे को पसंद आ रहा है काफी, और ये थक गई है बहुत भयंकर वाली। तो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, स्वागत है सभी का आज के न्यू ब्लॉग में। होप करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। सो गाइज, अभी का सीन है ये देखो, 5:30 बज गए और लिटरली बता रहा हूँ मैंने यहाँ इस जगह बैठे बैठे पूरी रात कर दी। आज फिर मतलब जो वीडियो एडिटिंग के लिए सॉफ्टवेयर था वो क्रैश हो गया और फिर वही वाली दिक्कत आ गई जो मैंने आपको पहले बताई थी। ये जो विंडो है ना, इस विंडो में से अंधेरा दिख रहा था जब मैं बैठा था यहाँ पे, और अब लिटरली उजाला हो चुका है यहाँ पे। सुबह हो गई है, पूरी रात नहीं सोया हूँ और अभी तक मेरी आंखों में नींद नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे को टेंशन है व्लॉग की कि 8:15 व्लॉग आना चाहिए कैसे भी करके, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे पूरी रात जागना पड़े, चाहे पूरे दिन जागना पड़े। अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है मेरा, 5:30 बज गए हैं। अभी मैंने व्लॉग रेंडर पे लगा रखा है, अभी ये रेंडर होगा, फिर कम से कम मेरे को 20 मिनट मेरे को इसको अपलोड करने में लगेगी। एंड जुकाम से काफ़ी बुरा हाल हो रहा है मेरे, ये वाली नाक तो बिल्कुल ही बंद हो गई है। थोड़ा सा बाहर घूम के आते हैं और देख के आते हैं क्या हो रहा है माहौल जब तक व्लॉग रेंडर हो रहा है। ये देखो 5:30 बजे का माहौल, छत पे पक्षी बोल रहे हैं, इस साइड से लाइट आ रही है, थोड़ी थोड़ी सुबह हो गई है, लोग बाग उठना चालू हो गए हैं धीरे धीरे, जैसे कि वो सामने वाली आंटी जी उठ गई है, पक्षी बोल रहे हैं सामने, देखो सुनो। मैं सोच रहा था कि रात को जल्दी व्लॉग एडिट करके सो जाऊंगा और सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ जाऊंगा, क्योंकि कल मेरे को निकलना है 26 तारीख को, तो मैं सारे काम निपटा दूंगा मार्केट के, पर मैं तो पूरी रात ही नहीं सोया। अब मैं कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ, सोऊँ या फिर नहीं सोऊँ। चलो देखते हैं, अगर नींद आएगी तो सो जाऊंगा, वैसे अभी तो मेरे को नींद आ रही नहीं है बिल्कुल भी, आपको दिख रहा होगा मेरे फेस से ही, प्रॉपर दिन नहीं उगा है अभी, मतलब सूर्य देवता भी उगे नहीं है, जैसे उगेंगे वैसे उजाला होना स्टार्ट हो जाएगा, 6 बजे तक प्रॉपर उजाला हो जाएगा। थोड़ी बहुत देर में बच्चे उठने वाले हैं क्योंकि उनका स्कूल का टाइम होने वाला है ना। सो गाइज़ यही है, देखो मैं यूट्यूब के सेक्टर में नहीं, हर सेक्टर में कह रहा हूँ कि लोगों को सिर्फ दूसरे की सक्सेस दिखती है, पर उस सक्सेस के पीछे उस बंदे ने कितनी मेहनत करी है वो किसी को नहीं दिखती है, किसी को भी नहीं दिखती है लिटरली। लोग बाग सिर्फ सक्सेस जानते हैं, स्ट्रगल नहीं जानते आपका। एंड मैं पूरी रात जगा रहा, पता है किसके दम पे? आप लोगों के कमेंट्स के दम पे, जो आप लोग कमेंट्स करके मुझे मोटिवेट करते हो ना अंदर से, बस उसी के दम पे मैं पूरी रात जाग लेता हूँ। देखो बिना नींद के 1% मेरी आँखों में नींद नहीं आती है। मैं चाहता तो सो जाता, मैं कहा चलो नहीं हो रहा है, पचा के इसमें छोड़ देता कि नहीं हो रहा मुझसे, पर नहीं, आप लोगों की जो कमेंट्स मेरे को अंदर से मोटिवेट करते हैं ना, उसकी वजह से देख लो मैं इतना लेट तक जाग लेता हूँ। अभी का नहीं है, 3 दिन से मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है, और उससे पहले तो मैं 3-4 बजे सो जाता था, पर अभी 3 दिन से तो ऐसा हो रहा है मेरे को, मॉर्निंग में मेरे को कभी 6 बजते हैं, कभी 7 बजते हैं। एंड गाइज, अगर आप लोग भी मॉर्निंग में जल्दी उठते हो तो कमेंट करके बताना मेरे को आप लोग कितने बजे उठते हो। तो चलो चलते हैं नीचे, वीडियो रेंडर हो गई होगी। सो गाइज, अभी का सीन ये है, देखो पूरे 6 बज गए, फाइनली हमारा व्लॉग अपलोड हो गया है। अब मेरा सर दर्द कर रहा है बहुत तेज वाला, अब मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। आप लोग व्लॉग देखना और एंजॉय करना, और मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा आप लोगों को। मिलता हूँ फिर आप उठने के बाद, पता नहीं अब कितने बजे उठूंगा, वैसे जल्दी उठना पड़ेगा मेरे को क्योंकि मेरे को काम करना है मार्केट में बहुत सारा। बाय, गुड मॉर्निंग गाइज अगेन। सो अभी दिन के बज रहे हैं 1:15 और मैं उठ गया था 12 बजे के आसपास, अभी उठ तो गया हूँ पर काफ़ी लेट हो गया हूँ, 1 बज गए और मेरे को मार्केट में बहुत सारा काम है क्योंकि कल निकलना है ना हमको, पर ये व्लॉग आएगा तब तक तो हम जो पहुँच चुके होंगे वहाँ पे और घूम रहे होंगे। अभी खाना वाना कुछ भी नहीं खाया है, मुँह भी नहीं धोया, तो चलो पहले जो है खाना वाना खाता हूँ और फटाफट मार्केट के लिए निकलता हूँ, सारे काम निपटा के आता हूँ। पापा खाना खा रहे हैं, सैम देवर से आज स्कूल नहीं गए क्योंकि इनके जुकाम लग रही है, और व्लॉग देख रहे हैं। दो दांत दिखा। अभी मम्मी ने मेरा अंगूठा कटवा दिया इससे। आप भी सेम बन गए, देखो मत करो यार, बहुत इरिटेटिंग लगता है यार ये। सो अभी खाना खा रहे हैं यहाँ पे, पापा इधर बैठे हुए हैं और मम्मी यहाँ बैठी हुई है, और विनी जो है लेके आ रही है खाना। हमारा खाना ये रहा। क्या की सब्जी बनी आज? बेसन के कट्टे की सब्जी बनी है देखो, और ये अचार है कैरी का, और ये रोटी है। देख रहे हो सास बहू की मोहब्बत। सब्जी मस्त बनी है गाइस, और वैसे ही मेरी मम्मी के हाथ की सब्जी तो नेक्स्ट लेवल ही बनती है।
सो खाना हमने खा लिया है, चलो अब रेडी होते हैं मार्केट के लिए। सो गाइस मैं तो बताना भूल गया, फाइनली हेलमेट का जो ग्रिप है ना गोप्रो की वो आ गई है। सुबह में सो रहा था ना तब आया था ये, तो मैंने इसमें लगा दिया। देखो अब मस्त मोटो व्लॉग करेंगे इसमें, और एकदम फिट आया है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि एक्स्ट्रा लगा रखा है इसमें कुछ। पहले की तरह जुगाड़ का सिस्टम नहीं है इसमें, इस बार ये लगा दिया। पर अभी मैं मोटो व्लॉग नहीं कर सकता इसके अंदर क्योंकि माइक फिट नहीं किया है अभी इसके अंदर। अभी तो माइक फिट करने में टाइम लगेगा, अभी तो मैं मार्केट जा रहा हूँ, टाइम मिलेगा तो आके देखता हूँ। सो अभी मैंने टी शर्ट चेंज कर ली है और साथ में विनी भी जा रही है क्योंकि कल हमारी शॉपिंग अधूरी रह गई थी, शूज रह गए थे, विनी की चप्पल रह गई थी, तो इसलिए वो भी साथ में जा रही है। चलो चलते हैं फटाफट और मिलता हूँ आपसे मार्केट में। सो गाइस अभी का सीन ये है, मार्केट का सारा काम कर आए जितने भी काम था, और 5 बज गए हमको शाम के सारा मार्केट का काम करने में। अब फाइनली सारा काम कर करा के शॉपिंग करने आए, सारा काम फ्री हो गया, जिसको जो देना था ले लिया, जिसको जो देना था वो दे दिया। हम अभी शॉप के बाहर ही खड़े हुए हैं, तो चलो चलते हैं और शॉपिंग करते हैं फटाफट, जो भी होगा आपको दिखाते हैं जो भी लेंगे। हाँ ये फिर भी कुछ नहीं है, ये वाला मेरे को पसंद आ रहा है काफ़ी ज़्यादा। ये है रेड टैप बॉन्ड स्ट्रीट, रेड टैप लंच। कमेंट करके बताना गाइस आप लोगों को कैसा लग रहा है ये। सो अभी इनके लिए हमने 2 सैंडल देखे हैं, एक तो ये वाला, भाग के दिखाओ। लिटरली बता रहा हूँ मैंने पहली बार इनको ऐसे देखा है कि इन्होंने पहला पीस दिखाया और पहला पीस ही इनको पसंद आ गया, पहली बार ऐसा हुआ है मेरे साथ। इनके गोरे गोरे पैरों पर देखो कितना प्यारा लग रहा है ब्लैक कलर। नहीं सही है, फिर भी आप ये हाइट नाप रही है मेरे से, ऊपर तो नहीं जा रही कहीं हील पहनने के बाद, अकेले जा रही है करके देख रही है। चल के देखो, वैसे भी आपको पता है ऐसे चलूंगी, उधर तक चल के आओ और भग जाओ बाहर। सो अभी हमारा तो हो गया है, मैंने ले लिया है, इनके सैंडल ले लिए हैं, पर अभी हमको एक जोड़ी और लेने हैं अभिषेक के लिए, और वो हमको सेम चाहिए पर सेम के पास अवेलेबल नहीं है। सो गाइस अभी का सीन ये है, शूज़ ले लिए हैं मेरे लिए और अभिषेक के लिए, मेरे जो साला है ना छोटा वाला उसके लिए, दोनों के लिए ले लिए हैं। पसंद तो इन्होंने भी किया था, आपने देखा था, पर जैसे ही प्राइस सुनी ना इन्होंने, हाँ तो भाई इतने महंगे कोई सैंडल पहनता है क्या? नहीं पहनना मेरे को इतने महंगे। हाँ भाई इनके सैंडल थे 850 रुपये, 850 में 4 जोड़ी पहनूंगी 4। और वो पूरे 1 साल तक पहनूंगी। सो हम लोअर तो भूल ही गए थे, बिल्कुल दिमाग से निकल गया क्योंकि लोअर भी यहीं से लेना है हमको। अब वापस आए हैं शॉप पे लोअर के लिए, हम नीचे जा रहे हैं, नीचे इनके पास लोअर जैकेट वगैरह का कलेक्शन। सो गाइस फाइनली लोअर भी ले लिया हमने और शूज़ भी ले लिए हैं, अब इनकी सैंडल चप्पल जो भी लेंगी वो रह रही है। सो अभी का सीन ये है, बहुत तेज भूख लग रही है तो कुछ खाने के लिए रुकाऊँ, विनी तो खाएगी नहीं आगा क्योंकि यहाँ की स्मेल से उनको उल्टी आती है। सो मैं तो रोल खाने के लिए रुकाऊँ, वो तो कहीं और से खाएंगे। सो मेरा तो रोल आ चुका है, अब फाइनली खाएंगे। सो अभी का सीन ये है, विनी को कुछ चप्पल या सैंडल जो भी लेंगे वो दिलाने के लिए लेके आए हैं, वो बैठी वहाँ पर। तो अभी हम हैं राजा पार्क में ही हैं, वैसे भी पहले भी हम राजा पार्क में ही थे, अभी भी राजा पार्क में ही हैं, पर अभी जहाँ से मम्मी लेती है ना मम्मी के सैंडल चप्पल वगैरह, तो वहीं पे ले आए इनको, यहाँ से ये भी देख लेंगे इनको क्या चाहिए, वहाँ पे तो इनको महंगा लगा, अब देखते हैं क्या लेती हैं। कितने कलर है इसमें? तो अभी इन्होंने ये वाली देखी है, वो देखो वो है ना पीच कलर, वो पीच कलर होगा। तो फाइनली भाई इनको ये ब्लैक वाला पसंद आया, काफ़ी अच्छा लग रहा है इनके पैर पर, फाइनली उम्मीद नज़र आती हुई दिख रही है इनको। 7 बजे कितने की भैया ये? आप प्राइस सही लगाओ भैया पैसे। फाइनली इनकी सैंडल भी हो गई है, अब फाइनली घर जा सकते हैं हम लोग। भाई 7 बज गए हमको लिटरली गाइस यहाँ पे, और अब हमारी शॉपिंग फाइनली कंप्लीट हो गई, कुछ भी नहीं रहा, अब एक सुई भी नहीं रही है अब। चड्डी बनियान रह गए ना? अरे यार चड्डी बनियान रह रहे थे, तो चड्डी बनियान भी ले लिए, और ये थक गई है बहुत भयंकर वाली। भाई सुबह 1 बजे के निकले हुए हैं, फ़ोन आ गया लो, और ये तो कुछ ज़्यादा ही थकती हैं। चार अड्डी नहीं कमर दुखती है, मेरी थकती है पैर वे नहीं दुखते, कमर दुखती है बस। टैंक के पास ये देखो। सो इनको जूस पीना है, और जूस पीने के लिए आए हैं साहू जूस व मटका कुल्फी के पास, इनको थोड़ी एनर्जी मिल जाएगी। काय का पियोगे? काय का मिलता है मौसमी पीने, इनको पीना है मौसमी, एक मौसमी दे दो। इनको देखो कैसे बैठी हुई है सारा सामान लेके, इनको कहीं पे भी जाना और ट्रिप पे पहले इनको शॉपिंग करनी है।
डॉक्टर जिस चीज के लिए लेडीज वो करती है ना जिद्दी की, नहीं शॉपिंग करवाओ शॉपिंग करवाओ घूमने जाना है, मेरे को जिद करने की नीड ही नहीं होती। देख लो कहीं मिलेगा ऐसा हस्बैंड जो चला के पूछता हो, कहीं मिलेगी ऐसी वाइफ जो आपका खर्चा कम करवाती हो। तो फाइनली हमारा जूस आ चुका है, मैंने मैंगो मंगाया है और इनका है मौसमी का। थैंक यू भैया, चीयर्स। ट्रिप की शॉपिंग के नाम। कल भी हमको पूरा दिन मार्केट में हो गया, आज का भी पूरा दिन मार्केट में हो गया, और अभी तो घर जाके बैग पैक करने भाई। चले अब चलते हैं सीधा घर और आपसे मिलते हैं सीधा घर पे। थोड़ा बहुत रेस्ट वेस्ट करेंगे घर पे जाके, सबको दिखाएंगे जूते वूते और आप लोग देख लेना उनका रिएक्शन क्या होता है। आते ही सारा सामान फैला दिया देखो। सबको देखने की क्यूरियोसिटी रहती है क्या है क्या है। अच्छा है ना, कैसे लगे जूते? अच्छे हैं ना, मैंने खाया ना मुझे मालूम भैया क्या। सो गाइस अभी का सीन ये है, 11:30 बज गए और आपको मेरी आवाज़ से ही पता चल रहा होगा मेरे को लग चुकी है जुकाम बहुत तगड़ी वाली। शाम को आने के बाद इतना लेट अपडेट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आते ही मेरे को आ गई थी नींद बहुत तेज़ वाली। मैं तो बेड पर लेटा सबसे बात कर रहा था ऐसे ही और मेरे को आ गई नींद बहुत तगड़ी वाली नींद। तो मैं उठा 10:30 बजे, फिर खाना खाया, जस्ट अभी खाना खा के आया ही हूँ। ये और ये देखो ये इतनी थक गई है देखो। आपको दिख रहा नहीं होगा ऐसे देखो बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे पीछे भी कोई खड़ा है देखो, मैं टिकी हुई है इनसे खड़ा भी नहीं रहा जा रहा सीधा। ये आई है अभी झंडू बाम लगाने और मैंने मेरा गेट लगा दिया है, एग्जॉस्ट चला दिया है और बिना मोटर का कूलर हमारा चल चुका है। मस्त ठंडी ठंडी हवा आ रही है इसमें से, बाकी मस्त हवा आ रही है इसमें से ठंडी ठंडी क्योंकि बाहर बारिश हुई है बहुत तेज़ वाली। और हाँ मैंने आपको बताया नहीं, हम बिल्कुल सही टाइम पे आ गए थे मार्केट से, हमारे आम तो आए हैं सामान रखा है, इतने में भाई साहब बरसात चालू होगी बहुत तगड़ी वाली, बहुत सही टाइम पे आ गए वरना भीग जाते और तेज़ जुकाम हो जाती। और जुकाम के साथ पता है क्या हुआ, वो कहते हैं ना गरीबी में आटा गीला, वो वाला सीन हो गया मेरे साथ, मेरा जुकाम तो हो ही रही है। आप जुकाम में आपको पता है नाक आती है बहुत तगड़ी वाली है और मेरे यहाँ पे देखो आपको लाल लाल दिख रहा होगा और मोटा मोटा दिख रहा होगा, यहाँ पे हो गई है मेरे अंदर वाली फुंसी। तो अब मैं नाक निकालूँ तो कैसे निकालूँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मत निकालो ना, ऊपर ले जाओ वापस। ये देखो ऐसे करके, ये ऐसे तो सजेशन देने वाले हैं। अब मैं पहुँचूँ, अब मैं नाक पहुँचूँ भी तो कैसे पहुँचूँ, मेरे को हल्का सा भी दबा रहा हूँ ना बहुत तेज दर्द हो रहा है इसके अंदर। कोई बात नहीं, बच्चों की तरह वो बाहर जाते ना यहाँ तक तो उसको सिर्फ पहुँच। आपकी मुँह पे झंडू बाम लग रही है, ऐसा लग रहा है नोज लग रही है। आपकी मुँह देख के मेरे को हंसी आ रही है बहुत तगड़ी वाली। और मुँह पे झंडू बाम लगा रखी होगी शायद आपको दिख रहा होगा, आप सोच रहे होगे ये क्या है झंडू बाम है ये लो लगा। झंडू बाम से रिलीफ तो मिलता है गाइस कुछ भी कहो। झंडू बाम और कलम को निकलना है मॉर्निंग में हमारी। मजा आया सस्ता नशा, मजा आ गया सस्ता नशा। एंड हाँ हमारी ट्रैवल सीरीज आप लोग जरूर देखना, बहुत मेहनत करी है मैंने, बहुत एफर्ट्स करे हैं मैंने इसके लिए। सो गाइस चलो आज के इस व्लॉग को करते हैं यहीं एंड, होप करता हूँ आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे नया आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। इस कान पे मम्मी है, इस कान पे भाई है, देखो हाँ मैं कर ली थी। तू बात ना गुनू का बात करता है ना, अब बात कर ली रुक जा।